मैं सत पाल चौधरी जाट महासभा तहसील प्रेजिडेंट अज अहें डिबकाम की इत मीटिंग ही डिबकाम साहब की उन्हें अहें मिले हैं सानू जड़ियाँ डीपीएस की समस्या आवे दियाँ फाइलें दियाँ कुछ फाइलां ही जड़ियाँ वो डबल फिटिंग होए दियाँ हाँ वो अहें प्रॉब्लम अपनी रखी उन्दे अगे कुछ फाइलां ही जड़ियाँ ऑब्जेक्शन लगे दा हा कि आधार कार्ड नहीं है इहदा जां फलानी फलानी दुरुस्ती करो वो भी अहें दुरुस्त करके दिते दियाँ हाँ कुछ फाइलां ये ही कि जिदे राशन कार्ड गुमन है या राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी भाई लास्ट वैकेंसी देंगे ये सारिया समस्या अहें उहदा कहिंदा डिबकाम साहब अगर रखिया ने गवर्नमेंट अगर फिर रिक्वेस्ट ये करने हैं कि साड़ी पब्लिक गरीब पब्लिक है इनेंगी इन्ने पैसे जिन्हें मिलने नहीं उहदे बावजूद तुसीं डाकूमेंट पर ज़्यादा लुआ उड़े ये दोबारा साड़ी हथ बन के बेनती है ऐसा नहीं होवे गवर्नमेंट ने पैसा भेजेगा तो पब्लिक मजबूर होगा रोड़ियों पर आवे ये इं दर बदर घूमे दी है त्रै त्रै महीने चार चार महीने दाइलों ओके करके गए थे अजे तक भी नहीं पैसे आए थे और डिबकाम साहब सानू विश्वास दिला दे कि पैसा बहुत है पैसा है और तुम ए एस एम एस करो तो यह अं तुरंत पैसा थोड़े अकाउंट च पाँगे। कैप्टन दर्शन लाल लगेट मोड़ से हम लोग पूरा गाँव के जो परिवार हैं इधर हमारे छंब साइड के लोग हैं जो वो आए हुए हैं उनको जो पैसा मिलना था रिफ्यूजी को उनमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी फाइलें कंप्लीट हैं बट उनको पैसा नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके किसी कारण से राशन कार्ड जो हैं वो गुम हो गए हैं तो कुछ ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड भी दिए हैं मस्त फीडिंग के दौरान उनका जो फीडिंग सिस्टम था उसमें कोई मिस्टेक हुई है ताकि हमारे जो नाम हैं एक आदमी के दो दो बार फीड हुए हैं उनकी वजह से हमारे को पैसा नहीं मिला है। अभी आज हमारे पूरे गांव के लोग डिबकाम साहब से मिले हैं उन्होंने ये भरोसा दिया है कि जिनकी फाइलें कंप्लीट हो गई हैं वो 15-20 दिन के अंदर आप देखिए आपको पैसा मिलेगा। बाकी जितने भी पॉइंट बताए हैं उन्होंने हमारे पंच साहब को बताया है कि आप दफ्तर के थ्रू एक फैक्स करके भेजो ताकि मैं उस पर जल्दी से जल्दी आपको उसका जो हक है आपका वो मिलेगा और मैं अपनी कार्रवाई करूँगा।